हल्क और जगरनॉट मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं, जो कि जाने जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से। ये दोनों कैरेक्टर्स लिटरली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जहां हल्क ने अकेले ही पूरी एवेंजर्स टीम को हराया है, वहीं पर जगरनॉट ने एक्समैन की पूरी टीम को ढेर किया है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़ जाएं, तब क्या हल्क जगरनॉट को हरा पाएगा या फिर जगरनॉट हल्क के ऊपर भारी पड़ जाएगा? आइए आज इसी बारे में पता लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हल्क और जगरनॉट के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों की वन ऑन वन बैटल के अंदर कौन जीतेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। वैसे इसके अलावा, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शी हल्क सीरीज के अंदर हल्क अब सकार प्लेनेट पर जा चुका है, और इसीलिए अब मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू के अंदर भी प्लेनेट हल्क की स्टोरी लाइन स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप मार्वल कॉमिक्स की प्लेनेट हल्क वाली स्टोरी लाइन को जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हल्क के सकार पहुंचने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने किया तो हम इस कॉमिक को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हल्क और जगरनॉट की ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं, ताकि हम इनके बैटल को क्लियरली समझ सकें। शुरुआत करते हैं जगरनॉट से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ जगरनॉट। तो जगरनॉट का असली नाम केन मार्को है, जो कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का सौतेला भाई है। केन मार्को जब बड़ा होता है तब वो अपने भाई चार्ल्स जेवियर के साथ यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है और अलग अलग मिशंस पर जाता है। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान केन मार्को और उसका भाई चार्ल्स जेवियर अपने बाकी साथियों से अलग हो जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं टेम्पल ऑफ साइटोरैक के अंदर। ये टेम्पल जिस बींग के नाम पर है, यानी कि साइटोरैक, वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल बींग्स में से एक कहलाता है। साइटोरैक के टेम्पल के अंदर आने के बाद केन मार्को को क्रिमसन जेन ऑफ साइटोरैक दिखता है, जिसे जैसे ही केन मार्को टच करता है वैसे ही उसे साइटोरैक की पावर्स मिल जाती है और वो सीधा ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है जगरनॉट। अब बात करें जगरनॉट की पावर्स की, तो जगरनॉट की पावर्स हैं लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, फोर्स फील्ड क्रिएशन, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, साइज मैनिपुलेशन, कंटेमिनेंट इम्यूनिटी और इमोर्टैलिटी। जगरनॉट का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि अगर वो चाहे तो किसी माउंटेन को भी अपने हाथों से लिफ्ट कर सकता है और उसे दूर तक फेंक सकता है। जगरनॉट की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उस पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। ना तो उसे फायर से जलाया जा सकता है, ना ही टॉक्सिन्स के जरिए इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है, और ना ही सोनिक साउंड को यूज करके उसे कमजोर किया जा सकता है। जगरनॉट एक वर्चुअली अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है, जो कि अगर एक बार भागना शुरू कर दे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये जगरनॉट थॉर, स्कार और हल्क जैसे बींग्स के साथ भी फाइट करके इन्हें बराबरी के टक्कर दे चुका है। और एक बार तो थॉर से लड़ते वक्त जब थॉर जगरनॉट के ऊपर अपने म्योनिर की फुल पावर से उस पर अटैक करता है, तब वो इतना पावरफुल अटैक भी जगरनॉट को हिला भी नहीं पाता। इसके अलावा भी एक बार थॉर जगरनॉट के ऊपर अपने अल्टीमेट गॉड ब्लास्ट का भी यूज करता है, लेकिन जगरनॉट को उससे भी कुछ नहीं होता। जगरनॉट की हीलिंग पावर्स भी बहुत कमाल की है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में जब एक बार एक डीमन की वजह से जगरनॉट स्केलेटन बन जाता है, तब वो अपने स्केलेटन से ही खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है और वापस पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जगरनॉट के आगे कई सारे कैरेक्टर्स की कंबाइंड पावर्स भी कुछ भी नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार जब सारे एक्समैन की पावर्स को मिलाकर जगरनॉट पर अटैक किया जाता है, तब उससे भी वो लोग सिर्फ जगरनॉट का हेलमेट ही तोड़ पाते हैं। लेकिन इसके भी ऊपर जगरनॉट का एक ट्रायन जगरनॉट फॉर्म भी है, जिसे जगरनॉट का मोस्ट पावरफुल फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि जगरनॉट एक बार ट्रायन जगरनॉट बनने के बाद लगभग 100 फुट लंबा हो जाता है और फिर वो साइटोरैक की पूरी पावर्स को यूज कर पाता है। और इसीलिए जगरनॉट अपने ट्रायन जगरनॉट फॉर्म में टाइम, स्पेस और इवन रियलिटी को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही सारी जगरनॉट की पावर्स हैं। अब जगरनॉट की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए हल्क की ओरिजिन और पावर्स की बात करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ हल्क। वैसे मुझे पता है कि आप में से कई लोग हल्क की पावर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि इस वीडियो को बहुत से नए लोग भी देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर हल्क की पावर्स को मेंशन करना भी जरूरी है। तो हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक गामा साइंटिस्ट है, जो कि गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है। लेकिन एक बार जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है, तब उसके अंदर वो वीटा रेस को यूज करने की बजाय गामा रेस को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और डॉक्टर ब्रूस बैनर उस एक्सप्लोजन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। जिसके बाद उस गामा रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आते ही ब्रूस बैनर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे नाम दिया जाता है हल्क। हल्क एक बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, जो कि ब्रूस बैनर के अंदर रहती है, और जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसीलिए ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार हल्क बनने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। बात करें हल्क की पावर्स की, तो हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड और स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है
है कि वो उससे जितने चाहे उतने वेट को बड़े आराम से उठा सकता है और हल्क के आगे चाहे कुछ भी आ जाए वो उस चीज को सिर्फ अपने एक ही पंच में तोड़ सकता है, जिसका एग्जांपल हमने द एवेंजर्स में भी देखा है। हल्क की बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के दौरान जब एक बड़ा सा माउंटेन सारे सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है तब हल्क उसे अकेले उठा लेता है और उस बड़े से माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन होता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के अटैक फोर्स और इंपैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। उस पर बुलेट्स बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनसे हल्क को डैमेज किया जा सकता है। हल्क अपनी आंखों से एस्ट्रल फॉर्म्स को भी देख सकता है और जरूरत पड़ने पर वो पानी के अंदर या आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। और अगर कभी हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए तो वो अपने सिर्फ चलने भर से ही एक पूरे शहर को खत्म कर सकता है। हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए अगर कभी हल्क इंजर्ड हो जाए या उसके बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग भी हो जाए तब भी वो उन्हें फिर से ग्रो कर सकता है। इसके साथ ही हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो चाहे तो बिना खाए बिना सोए बिना रुके और बिना थके कई सालों तक भी फाइट लड़ सकता है। इसके साथ ही हल्क के पास सुपर जंप नाम की एक कमाल की एबिलिटी भी है जिनमें वो अपने पैरों से बहुत लंबे लंबे जंप्स लगा सकता है और उनसे बहुत दूर तक के फासले को तय कर सकता है। तो यही सारी हल्क की पावर्स हैं। अब हल्क और जगरनॉट दोनों की पावर्स को जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो हल्क और जगरनॉट दोनों की स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, लेकिन बराबर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होने के बावजूद भी हल्क जगरनॉट को हरा सकता है और इसका रीजन है वीकनेस। हल्क की वीकनेस नहीं, जगरनॉट की वीकनेस। और वो वीकनेस ये है कि जगरनॉट हाई लेवल ऑफ मेंटल एंड मिस्टिकल अटैक्स के आगे कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज या प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जैसा कोई बींग मेंटल या मिस्टिकल पावर्स को यूज करके जगरनॉट को कमजोर कर सकता है। और अपनी इसी वीकनेस की वजह से जगरनॉट अपने सर के ऊपर हेलमेट भी पहनता है ताकि वो ऐसे किसी भी अटैक से खुद को बचा सके। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम हल्क की बात करें तो हल्क की ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है, इसीलिए ये फैक्टर हल्क को एक प्लस पॉइंट देता है। इसके साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्क की पावर्स उसके गुस्से के साथ बढ़ती है, इसीलिए जगरनॉट के साथ फाइट के दौरान जैसे जैसे हल्क गुस्सा होगा वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी एनहेंस होती जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हल्क जगरनॉट को हरा देगा। तो इसीलिए अब ये सब जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हल्क और जगरनॉट बेशक से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसे फैक्टर्स में एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन एक वन ऑन वन बैटल के अंदर हल्क जगरनॉट को हरा ही देगा। कंक्लूजन, हल्क विंस। तो यही हल्क और जगरनॉट के बीच एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी प्लेनेट हल्क कॉमिक की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप इस बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम इस टॉपिक पर जल्दी से वीडियो ला सकें। लेकिन तब तक अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो हमने इमोर्टल हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी कई कमाल की कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है जिन्हें आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।